नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद से शुरू हुआ विवाद अब कर्नाटक तक पहुंच चुका है, जहां बेंगलुरु में एक मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसी वास्तुकला मिलने का दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश में मंदिर मस्जिद वाला विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद से शुरू हुई जंग की आग अब कर्नाटक तक पहुंच गई है। कर्नाटक के मंगलोर में एक पुरानी मस्जिद के नीचे कथित तौर पर हिंदू मंदिर जैसा वास्तुशिल्प डिजाइन मिलने का दावा हुआ है। वहां पर अब विश्व हिंदू परिषद एक अनुष्ठान करने जा रहा है। हिंदू संगठन की तरफ से मस्जिद के करीब मंदिर में विशेष पूजा आयोजन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा मंदिर और विवादित स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर मामला क्या है। तो दरअसल मलाली इलाके की एक मस्जिद में पूर्ण निर्माण का काम चल रहा था और अप्रैल महीने में पुरानी मस्जिद को गिराने के क्रम में मंदिर नुमा ढांचा नजर आया था। इसके साथ ही कुछ ऐसे साक्ष्य मिले जो हिंदू कलाकृतियों से मिलते जुलते नजर आए। सूचना मिलने पर हिंदू संगठन ने मौके पर जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन किया, जिसकी जानकारी लगते ही तनाव न बढ़े इसलिए प्रशासन भी पहुंचा। मस्जिद से संबंधित कागज के लिए मस्जिद के जमीन से संबंधित सरकारी दस्तावेजों को भी इकट्ठा किया गया। पुलिस अधिकारियों की माने तो मामला पहले से ही अदालत में है और मस्जिद के अध्यक्ष के साथ साथ सभी पक्षों को नोटिस जारी किया गया है। मस्जिद प्रबंधन समिति ने कहा है कि वो अदालत में मामला लड़ रहे हैं और न्यायिक निकाय को सभी संबंधित दस्तावेज पेश करेंगे। पिछले महीने जब पुरानी मस्जिद में जीर्णोद्धार कार्य के दौरान हिंदू मंदिर जैसी डिजाइन मिला था, तो लोगों ने सुझाव दिया था कि स्थल पर एक हिंदू मंदिर होने की पुरानी संभावना है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने जिला प्रशासन ने दस्तावेजों के सत्यापन तक काम बंद करने की अपील की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उपायुक्त केवी राजेंद्र ने मंगलवार को अधिकारियों और इससे जुड़े पक्षों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की थी, ताकि विवाद की स्थिति को रोका जा सके। साथ ही जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि जमीन पर मस्जिद थी या यहाँ पर पहले से कोई मंदिर था, तब तक के लिए मंदिर के पुनर्निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही किसी के भी उस स्थल पर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। अब ये मामला क्या रूप लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।